जयपुर में मोदी एट द रेट 20 पुस्तक पर व्याख्यान हो रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर शिरकत कर रहे हैं और भाजपा नेताओं और प्रबुद्धजनों के साथ भी संवाद करेंगे। मैं रेलवे से साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट सब जगह भेजता, 100 किलोमीटर जनरल कंपार्टमेंट में बैठकर क्या लोग बोल रहे हैं और कुछ सवाल पूछ के जानकारी लेता था। 2 दिन में 2-3 हजार लोगों से बातचीत होकर मुझे पूरा फीडबैक मिलता था कि क्या स्थिति है। मैं भी खुद जाकर जाता था तो जयपुर के एक कुली था, बाजार में हम गए थे, मेरे साथ कुछ कार्यकर्ता भी थे और वो बोरी इधर से उधर ट्रक से निकाल के दुकान में रखा। तो मैंने कहा यार किसको वोट दोगे? बोले मोदी को। मैंने कहा क्यों? बोले ना घर ना दार ना परिवार, 24 घंटे काम करता ऐसा आदमी चाहिए। गरीब को ये समझता है। मैं एक दिन सड़क से जा रहा था तो खेतिया मजदूर महिलाएं दोपहर के ऐसी दो एक डेढ़ बजे खाने के लिए बैठी थी। मैंने पूछा कि भाई किसको वोट दोगे? बोले मोदी को। नहीं क्यों? बोले वो गरीबी से आया है ना, इसलिए गरीब की सोचता है। मैं बाड़मेर में गया, कॉलेज के छात्र थे। मैंने पूछा भाई किसको वोट दोगे? बोले मोदी को। नहीं क्यों? बोले सर हमारा गांव सरहद पर है, यहां से हमारा कोई सैनिक पहले भी गलती से भी पाकिस्तान के सरहद में जाता था तो पाकिस्तान पकड़ती थी और सर कटवा के भेजती थी। यह पहला बहादुर प्रधानमंत्री है जिसने 24 घंटे में पायलट को जिंदा वापस लाया, जिसको लोगों का इतना प्यार है वो अजय होता है। और इसलिए मोदी जी अभी 7.25 साल पूरे हुए हैं, 10 साल के लिए चुने गए हैं और आगे भी 24 का भी ऑपरेशन को विचार करना है कि वो भी चुनाव की बातें भी करें। और ये परिवार नहीं, यानी परिवार है, माता जी को मिलते हैं, उसके फोटो हम देखते हैं, साल में 2-3 बार उनके घर जाकर वहां मिलते हैं। माता जी को 100 साल की हुई है, भाई है, बहने है, परिवार है, भांजे भतीजे है, लेकिन ना सत्ता में किसी का दखल, ना कोई यहां आता, अपना अपना काम करते हैं। ये मोदी परिवार है और वो दूसरा परिवार है जो दिल्ली में। परिवारवाद की राजनीति में खाली देश हो, एक ही परिवार के लिए सब होंगे। मुझे आश्चर्य लगा सचिन पायलट कह रहे कि बीजेपी में कहां चुनाव होता है, कांग्रेस में चुनाव होता है। अरे 24 साल तो मां और बेटा ही अध्यक्ष है, काय का चुनाव हो रहा है? हमारे यहां अध्यक्ष देखो वेंकैया जी हो, राजनाथ जी हो, नितिन गडकरी हो, अब जयप्रकाश नड्डा हो, बीच में अमित शाह हो, कहां से आए? आम परिवार से आए, कोई पॉलिटिकल नहीं, कोई मनी पावर नहीं, कोई मसल पावर नहीं। ये लोग बने अध्यक्ष, ये केवल बीजेपी में हो सकता है, दूसरी जगह नहीं हो सकता है। सचिन जी समझ में तो ये परिवारवाद ने देश का बहुत नुकसान किया। मोदी जी का 15 अगस्त का भी भाषण आपने सुना होगा और वो हमेशा कहते हैं हमें परिवारवाद नहीं, एक देश को आगे ले जाने का जज्बा है और उसी को हम ले जाएंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यही हमारे कार्यक्रम। दूसरा भी एक बात है जो कांग्रेस को कभी नहीं जमेगी। 8 साल हुए, 8.25 साल
लगभग 100 मंत्री केंद्र में होंगे, लेकिन ऑपोजिशन पार्टी भी एक पर भी करप्शन का आरोप नहीं लगा सकी। ये सामान्य चीज नहीं है, भ्रष्टाचार ही जानने में है। वहां ऐसी पॉलिटिकल संस्कृति तैयार करना इतना आसान नहीं है। और करप्शन मिटाने के लिए बेना भी प्रॉपर्टी एक्ट किया, कानून में किसी ने पैसा छुपा के रखा तो वो मिटाने के लिए कानून किया। सब प्रकार के काम कर रहा है कि भ्रष्टाचार को खत्म करेगा। और सबसे बड़ा जिसका उल्लेख अभी सतीश जी ने किया, पहले राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि मैं 100 रुपए दिल्ली से भेजता हूं, लेकिन आमेर आते आते 15 ही रुपए गरीब को मिलते हैं, 85 रुपए बीच में खाते। मैंने कहा कौन खाते, तब दिल्ली से दिल्ली तक पूरा आमेर से था, वही खा रहे। लेकिन राजीव गांधी ने बोला, लेकिन आप मोदी जी 100 रुपए भेजते हैं तो 100 के 100 गरीब के खाते में जमा होते हैं। ये टेक्नोलॉजी के मदद से भी और पूरा अपना लाइफ इतना बदलेगा। 130 करोड़ मोबाइल है देश में, 130 करोड़ आधार है, और जैसे बताया 45 करोड़ नए जनधन खाते खुले, हरे का खाता है, तो उससे लेस सारी रकम पिछले 3 साल में 21 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए गरीब और मध्यम वर्ग के खाते में, पेंशन हो, स्कॉलरशिप हो या कुछ भी रकम हो, मजदूरी हो, मनरेगा की सब जा रही है। और किसान के भी जैसे उल्लेख किया 12 करोड़ किसान, लेकिन ये भी समझना चाहिए किसान को 12 करोड़ बने केवल इतनी 2 लाख करोड़ दिया ऐसा नहीं है, अभी भी मिलने ही वाले हैं। और मिलने वाले हैं, कांग्रेस ने यूपीए में 10 साल में क्या किया, डिविडी बचाया कि हमने कर्जा माफ किया, कर्जा माफ किया। 2009 का चुनाव उसी वक्त जीते ना कि कर्जा माफ करेंगे। कितना बजट था कर्जा माफी का, 70,000 करोड़। और किसान के कर्जे माफ हुए, किसान के खाते में कुछ नहीं आया, लेकिन कर्जे माफ हुए उसका बिल कितना हुआ, 54,000 करोड़, इतना ही दिया। मोदी जी ने 2.25 लाख करोड़ अभी दिया है, हर एक किसान को 22,000 रुपए मिले हैं और भी मिलते रहेंगे। ये अद्भुत बजट, ये नहीं हुआ तब वैक्सीन पर भी विपक्षी दल वैसे ही बोलते हैं। दूसरी वैक्सीन आई कोवैक्सीन, तो इन्होंने शुरू किया कि ये तो अनटेस्टेड है, अनवेरिफाइड है, ये डेंजर में जाएगा, लोगों की जान जाएगी। मोदी जी ने कुछ नहीं कहा, जब उनका नंबर आया वैक्सीन का तो उन्होंने कोवैक्सीन लिया, एक दिन में चर्चा बंद। कोवैक्सीन खुद लिया, जिसका डर फायदा कर रहे थे गहलोत जी और बाकी सब लोग, वो एक दिन में खत्म। आज सबको लगा और दुनिया में आंदोलन हो रहे, दुनिया में आंदोलन हो रहे कि वैक्सीन के खिलाफ, और दुनिया में आंदोलन हो रहे मास्क के खिलाफ, बंधन को दबाओ इसके लिए। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो कि जिन्होंने तालियां भी बजाई हेल्थ वर्कर्स के लिए, तालियां भी बजाई, दुआ भी बनाया, ये दुनिया की भागीदारी। और उसके कारण आज जहां दुनिया में प्रदर्शन हो रहे, यहां वैक्सीन के लिए कतार में लोग खड़े हैं, ये केवल भारत में हो सकता है। दिस इज न्यू इंडिया। कोविड का सामना हमने किया, 80 देशों को मदद की, आज दुनिया में 60 की बात उन्होंने कही, कितनी बड़ी, कितनी बड़ी। उन्होंने मोदी जी ने कहा योगा डे दुनिया भर में होना चाहिए, सबने मांगे किया। 7 साल से 170 से अधिक देशों ने 21 जून को ये योगा डे होता है, और योग भी योगा के रोज क्लासेस वर्जित कर रहे हैं। ये भारत की सॉफ्ट पावर, तो ये करके दिखाया, खेलो इंडिया, फिट इंडिया, सब जोर से मुहिम चालू करी।
तो इससे फर्क पड़ा है। और भी एक दो बातें जरूर कहना चाहूंगा, मैं जब पर्यावरण मंत्री था तो 30-40 देशों में गया था, तो वहां के मंत्री मुझे पूछते थे कि भाई ये बताओ हमारे देश में हमारे नेता की जितनी सभा होती है उससे बड़ी सभा आपके नेता की हमारे देश में कैसे होती है। ये हमने देखा है, जहां भी जाते हैं चुमर पर लोग ऊपर पड़ते हैं, और केवल भारतीय बाकी सभी उस देश में आने के लिए आते हैं। अभी आपके राजस्थान में आने को विदेश में है, उनको पूछ लीजिए या विदेशी पुलिस आते हैं, ओ इंडिया मोदी जी के मोदी मोदी ऐसा करते हैं, वो आप कह रहे थे मोदी मोदी मोदी, वो भी कहते हैं मोदी मोदी मोदी। तो ये सब कहानी ये किताब में है, जिसका हिंदी भी एक दो दिन में आएगा। लेकिन हमें क्या समझना है, हमें समझना है कि इतनी लंबी सत्ता और लोगों का प्यार, परसों भी जब ये लोकप्रियता का सर्वे हुआ तो लगातार आखिरी बार दुनिया में सबसे पॉपुलर लीडर नरेंद्र मोदी घोषित हुए, ये दुनिया की पसंद है। तो ये हमें समझना चाहिए और हमें जरूर होना चाहिए क्या है, हम ऐसे राज में आए जो हम सपना देंगे 500 साल राम मंदिर की लड़ाई चल रहा है, राम का जहां जन्म वहां राम का मंदिर बनाने का विरोध हो रहा था, राम मंदिर